Hello students, today my video is going to class 6 and our topic is components of food. This is second part of my video. In previous video, I have already told you about carbohydrate and protein. So let us know about fat. Fats. It is composed of fat, composed of carbon, hydrogen, and oxygen. Fat composed of carbon, hydrogen, and oxygen. But the quantity of oxygen which is present in fats is very less than कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन अगर देखते हैं हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना होता है और ये फैट भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बना हुआ है। अंतर क्या है कि कार्बोहाइड्रेट में जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है जबकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है फैट्स में बहुत कम होती है। कंफर्म बात है ऑक्सीजन की मात्रा जो है फैट्स में बहुत कम होती है। ये फैट जो है इसका अगर हम एक मोल देखते हैं वन मोल अगर हम कार्बोहाइड्रेट का लेते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी जो है रिलीज करता है। एक मोल कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है जबकि एक मोल अगर हम फैट का लेते हैं एक मोल फैट में जो है 9.5 किलो कैलोरी जो है एनर्जी क्या होती है प्रोड्यूस होती है। एक मोल कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है जबकि एक मोल वन मोल फैट में जो है 9.5 किलो कैलोरी एनर्जी जो है क्या होती है प्रोड्यूस होती है। यानी कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी फैट में पाई जाती है। सो इसलिए फैट्स आर आल्सो नोन एज एनर्जी बैंक। एनर्जी बैंक फैट को हम लोग एनर्जी बैंक के नाम से जानते हैं क्यों क्योंकि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट से जो है बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है अतः इसे एनर्जी बैंक के भी नाम से जाना जाता है। कंफर्म बात है ना। ये जो है हमारे बॉडी से हीट का जो लॉस होता है इट प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। ये जो है हमारी बॉडी से हीट की मात्रा को जो है कम नहीं होने देता है। लेकिन एक और बात है एक्सेस यूज ऑफ फैट लीड्स टू ओबेसिटी। अगर अधिक मात्रा में आप फैट ले रहे हो तो इससे क्या हो जाता है ओबेसिटी यानी कि मोटापा बढ़ जाता है। Obesity means मोटापा। अगर आप अधिक मात्रा में फैट का यूज कर रहे हैं तो मोटापा बढ़ने की संभावना है अतः बचें। ये मोस्टली जो है कि इसके भी दो सोर्स होते हैं प्राप्त करने के एक प्लांट और दूसरा एनिमल। प्लांट जैसे कि मस्टर्ड ऑयल कोकोनट ऑयल जितने भी प्रकार के ऑयल्स लाइक कुकिंग ऑयल जिसे हम लोग कह सकते हैं जितने भी प्रकार के ऑयल आ जाएं और प्लस एनिमल से क्या होता है बटर घी एटसेट्रा ये सब जो चीजें हैं इससे एक्सेस अधिक मात्रा में जो है कि ये फैट पाया जाता है। और ये सोर्सेज हैं दो सोर्सेज यानी कि एक तो प्लांट और दूसरा एनिमल फैट को प्राप्त करने के सोर्सेज हैं। अब हम चलते हैं देखते हैं फैट होने के बाद विटामिन्स को देखेंगे व्हाट इज विटामिन्स।
विटामिन्स, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं ना, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का जो है कि पावर नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं, दिस विटामिन प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, ये हमें जो है बीमारियों से बचाते हैं, क्लियर बात है, एंड मेक्स आवर टीथ एंड बोन्स हेल्थी, और हमारे दांत और हड्डियों को जो है कि मजबूती प्रदान करते हैं। ये विटामिन जो है जैसे कि ए सी डी ई एंड के होते हैं, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है विटामिन बी का बहुत सारे ग्रुप्स इसमें भरे रहते हैं, विटामिन वन टू इस प्रकार से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी के जो है कि बहुत सारे, ये एक तरीके से विटामिन बी का जो है कि ग्रुप है, और ये सब जैसे कि ए सी डी ई एंड के, ये सब विटामिन, कुछ विटामिन्स, सम विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ विटामिन्स जो होते हैं ना पानी में घुल जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं, वेयर एज सम विटामिन्स आर सोल्यूबल इन ऑयल और फैट, तो सच टाइप्स ऑफ विटामिन्स विच आर सोल्यूबल इन फैट और ऑयल्स कॉल्ड ऑयल फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ठीक है, ये विटामिन्स जो है कि दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और दूसरा ऑयल या फैट में जो डिजोल्व हो जाते हैं, जो घुल जाते हो वे, तो ऑयल फैट सोल्यूबल विटामिन्स। काफी है विटामिन्स के लिए इतना ही, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा देखेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या है, व्हाट इज मिनरल्स, मिनरल्स सॉल्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, सॉल्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बहुत ही आवश्यक है, इनका प्रयोग हमारी बॉडी में बहुत कम मात्रा में होता है लेकिन बहुत आवश्यक है ये। जैसे में देखिए कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ये क्या करते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस क्या करते हैं, ये हमारे टीथ एंड बोन्स, दांत और हड्डियों को बनाने में सहायता करते हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं टीथ और हड्डियों को जो है क्या करते हैं, बनाने में सहायता करते हैं। आयरन, आयरन क्या करता है, इट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आप सभी जानते हैं यह हमारे खून में ब्लड में पाया जाता है, और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ आवर ब्लड इज रेड, इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे रक्त का, खून का रंग जो होता है बच्चों लाल होता है, क्लियर बात है। एक और देख लेते हैं हम लोग मिनरल्स, जैसे कि आयोडीन, आयोडीन अगर इसकी कमी हो जाती है तो एक गले में ग्वाइटर रोग, गला हमारा फूल जाता है, ग्वाइटर रोग उत्पन्न होता है। सो इन दिस केस दे मिनरल्स आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे
वाटर के बारे में, वाटर आप सभी जानते हैं वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आवर लाइफ। हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है आप सब इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों। अगर हमारे बॉडी से वाटर लॉस होने लगता है इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन। हमारे शरीर से पानी, जान लीजिए ये बात कि हमारे शरीर में लगभग 90% 90% हमारी बॉडी में पानी भरा हुआ है, और अगर हमारे बॉडी से ये पानी की कमी हो जाती है तो ये कंडीशन जो है डिहाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है। ये पानी जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्प इन डाइजेशन। और पानी जो है, वाटर जो है, डाइजेशन में भी सहायता करता है। ये किसी प्रकार का विटामिन नहीं है, किसी प्रकार का ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, इट डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी जो है कि 90% पानी की बनी हुई है। और ये जो है वाटर हमारे बॉडी को जो हीट होती है ना उसे मेंटेन करके रखता है। क्लियर बात है, हमारे शरीर से पानी की अगर कमी हो जाती है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाकर के 2 बॉटल या 4 बॉटल पानी जो है कि अपने बॉडी में चढ़ाना पड़ता है डिहाइड्रेशन के केस में। बहुत बढ़िया बच्चों, आज इतना ही, मिलेंगे हम फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का 3रा पार्ट होगा। टिल देन थैंक यू।